हौज़बलानी बिस्मरमान नाजिमिन और मिज़बान सै नाजीआल का नाजरिया इस वक्त जो मौसम की सूरत है उस मौसम की सूरत में बहुत सारे लोगों को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और चेस्ट कंजेशन हो रही है अमूमा हम ये समझते हैं कि ये सर्दी का मौसम है और सर्दी लगने की वजह से हमें फ़्लू होते हैं फलू होने के बाद जो है हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है मगर हम एक टेस्ट करा के देखें तो हमें पता चल जाएगा जिसको ब्लड सीपी कहते हैं उसमें ई एस आर ये वो चीज़ बतलाता है टेस्ट कि आपको इन्फेक्शन कितना है ये सारी चीज़ें जो हो रही है हम समझ रहे हैं कि सर्दी की वजह से हो रही है मगर ये जो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है ये जो फ्लू हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से और मौसम की तब्दीली एक तो कुदरत की तरफ से होती है दूसरी जो हज़रत इंसान ने चीज़ें बनाई है जिस तरह फैक्ट्रियाँ बनाई है जिस तरह फैक्ट्री से दुहाँ निकलता है और दुहाँ निकलती हुई फैक्ट्रियाँ का दुआ जब शहर में आता है जब शहर में आता है तो हमारी जितनी भी मेगा सिटी है या छोटे शहर है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जहाँ इंट्रू के जो है वो कारखाने लगे हुए तो उनसे उठता हुआ जो धुआं है उन धुएं से इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम किसी गंदे पानी से नहा जिसमें बहुत सारे जरासीम हो जिसमें बहुत सारी गिलाजतें हो, तो उस गंदे पानी के नहाने की वजह से हमें एलर्जी भी हो सकती है हमारी स्किन भी ख़राब हो सकती है इस तरह इस हवा में क्लाइमेट चेंज की हवा में इतने जो है वो बैक्टीरिया आ रहे हैं यानी इतने जरासीम आ रहे हैं जिनकी वजह से इंसान की सेहत दिन बदिन बिगड़ती जा रही है मुख्तल नए नए अमराज आ रहे हैं जैसे आपने स्किन पर जो है दाग देखे होंगे रेडिश दाग हो जाते हैं किसी को जो है काले दाग हो जाते हैं जिस तरह इस क्लाइमेट चेंज में हमारे जख्मों का देर से ठीक होना यानी एंटीबायोटिक हमारी वो काम नहीं कर सकती है और हमारा जो अम्यून सिस्टम है इस आबो हवा में वो हमें जो है बूस्टअप नहीं करता है इस वजह से इंसान और जो बैक्टीरिया है जो बीमारी है उसकी लड़ाई में ज़्यादातर बैक्टीरिया हम पर हावी रहता है तो इस चेस्ट इन्फेक्शन की जो बड़ी वजह है वो हमारी आलूदा हवा है हम आलूदा जो है इन चीज़ों को कहते हैं कि हमारा पानी ख़राब हो गया हमारी जो है ये चीज़ें ख़राब हो गई सब चीज़ों पर हम नज़र रखते हैं मगर इस ममलकत खुदादात में इस चीज़ का कतई ख्याल नहीं रखा गया कि लाहौर जो है वो दुनिया का पहले नंबर पर क्लामेट्स के हवाले से बहुत बड़ी डिजास्टर में समझो कि लाहौर के, के शहरों के लिए एक अलमिया बन चुका है जहाँ पर जिंदगी जो है पूरा दिन मफलूज रहती है और बात लाहौर तक नहीं दूसरे नंबर पर फिर मैं कराची पर आ जाता हूँ कराची में भी जिंदगी जो है वो मफलूज रहती है यानी कि सूरज हमें जो है एक दो बजे के बाद दिखाई दे तो हम क्या काम कर सकेंगे उसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है जैसे अब धुंध छाई हुई है हमारा मोटरवे जो है वो बंद होता है मोटरवे के बाद बहुत सारी फ्लाइटें जो है वो उड़ान नहीं भर सकती इतनी धुंध होती है कि फ्लाइट को उड़ाना नामुमकिन में होता है अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इकतसादी तौर पर पाकिस्तान जो पीछे जा रहा है इस क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान से ज़्यादा जो कसूरवार हम ठहरा जाएंगे जिन पे हम क्लेम कर सकते हैं हमारे बराबर में जो चाइना आता है चाइना के बार्डर आते हैं चाइना के बार्डरों पर जितनी फैक्ट्रियाँ बनी हुई है उसका धुआँ सीधा पाकिस्तान में आता है और हिंदुस्तान के जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनका धुआँ जो है वो पाकिस्तान में आता है इस धुएँ की वजह से बहुत सारे नफक अमराज़ फैल रहे हैं मगर कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो के रह गई है यानी कि हम जैसे करंटीना में चले गए हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है लॉकडाउन इस वजह से लगा हुआ है कि हमारे मौसम में जो तब्दीली आई है जो हमारे मौसम में एक ख़तरनाक हद तक एक क्लाइमेट चेंज की वजह से रास्ते बंद हैं हमारी उड़ाने नहीं चल रही है लोग घरों से निकल नहीं सकते सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जो आम गाड़ी है उसको हम कहते हैं कि आप जो है अपनी लाइटें जो है, वो फॉक्स लाइटें यानी तेज़ लाइटें लगा लें उसके बाद भी दिन बदिन आप देखते रहते हो देखाबरामे में कि कितने हादसा होते हैं यानी कि अगर मोटरवे बंद है अगर हम जीटी रोड से चले जाएं या नेशनल हाईवे अगर वहाँ पर धुंध है तो वहाँ भी भी हादसे होंगे और उन हादसों की वजह से बहुत सारी अमवात हो रही है यानी ये, ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें मख्तल चीज़ें जो है वो विरासत में जैसे मिल गई जैसे तोहफे में मिल गई कि हमारी इकानमी जैसे डिस्टर्ब हो रही है हमारा माहौल ख़राब हो रहा है हमारी सेहत ख़राब हो रही है और नंबर चौथी बात हम हमारी मीशत पर बहुत बुरे बुरे असर पड़ रहे हैं लेकिन मीशियत हमारी जो है इस सर्दियों के मौसम में अगर दिन जो है उसका आगाज़ हम आठ बजे से कर ले तो साढ़े पाँच बजे तक दिन जो है वो वाइंड अप हो जाता है मगर इस दिन को हम स्टार्ट ही दो बजे से लें तो दिन जो है दो ढाई घंटे का रह जाता है तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि बहुत सारे तदाबीरे ले और इस मौसमी सूरत हाल को चेंज करने के लिए बहुत सारे दर्श जो है वो गाना शुरू कर दे दुआ देती हुई इन हज़ारों साल या सौ साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर दे दुआ देती हुई फैक्ट्री को बंद कर दे ये जदी दौर है चाइना से इस चीज इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए हिंदुस्तान पर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक आम पाकिस्तानी का जो है मसला है ये जो नुकसान हो रहा है हमारा जो हेल्थ का जो डिजीज़ हम समझ नहीं पा रहे यानी कि देखिए एक, एक एक बंदे की चेस्ट खराब होती है तो हम उसको हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं यानी कि उसकी शायद अगर इस चेस्ट इन्फेक्शन से दूर सही भी हो जाती है तो दूसरे मुजर असरात एंटीबायोटिक की वजह से कमज़ोरी वीकनेस हो रही है सारी चीज़ें हो जाती जिस तरह कैंसर की शराब बढ़ रही है जिस तरह स्किन की बीमारी की शराब पड़ रही तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस मुद्दे को जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ना ले और सारे पाकिस्तानी को इस चीज़ को उठाना चाहिए कि ये बला कब टलेगी ये इस मुल्क की हवा कब साफ होगी जिसमें हम गहरी सांस ले सके जिसमें हमारे बच्चे गहरी सांस ले सके जिसमें हमारे बूढ़े गहरी सांस ले सके मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस मौसमी जो वबा है ये मौसमी तब्दीली जो है इसे ठीक करने के लिए अपना अपना किरदार निभाएंगे इन्हीं मुख्तर जुमलों के साथ इजाज़त फिर मिलेंगे किसी और भी इलाक़ में तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा पाकिस्तान जिंदाबाद